जी सर, आज हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले है जी आपकी पेज की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन में इस वक्त है पिक टूल। पिक टूल सिलेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त जो प्रॉपर्टीज आ रही है वो पिक टूल की आ रही है। जब पिक टूल सिलेक्शन में, तो इसका मतलब है सिलेक्शन में बेसिकली आपका पेज है। ठीक है, तो इस वक्त जितनी भी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बार में जो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है, ये आपकी पेज प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जब भी कोरोड्रा ओपन करेंगे, चाहे कोरोड्रा X3 हो, X4 हो, X5 हो, X6 हो, या 12 हो, 13 हो, कोई भी वर्जन हो, सब की आपके पास पेज जो साइज़ आपको शो कराएगा, ये नीचे देखें, नीचे टूल टिप के अंदर येलो कलर के अंदर बैकग्राउंड येलो और ऊपर टेक्स्ट ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ पेपर टाइप या साइज़। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पेपर टाइप या साइज़ जो आ रहा होगा वो लेटर साइज़ आ रहा होगा। ठीक है, लेटर साइज़ का जो पेपर होता है नॉर्मल ऑफिस में जो यूज़ किया जाता है, उसका साइज़ होता है 8.5 बाय 11 इंचिस, 8.5 बाई 11 का आपके पास एक पेपर का साइज़ होता है नॉर्मल ऑफिस में, पेपर जो कटिंग में आपके पास मौजूद है। नहीं, A4 और लेटर में चंद पॉइंट्स का फ़र्क होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला ये साथ ही लिखी हुई है विड्थ 8.5 बाई 11, लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं अगर इसके बजाय यहाँ पर इसे करता हूँ A4, ठीक है, अब A4 में कितना फ़र्क है? A4 आपका होगा 8.268 बाई 11.693, ये इतना सा चंद एक पॉइंट्स का फ़र्क होगा और इन पॉइंट्स की वजह से आपका पेपर साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लीगल साइज है, लीगल साइज होता है 8.5 बाई 14, और इसी तरीके से मुख्तलिफ साइज आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कस्टमर आके कहता है जी मुझे इस साइज़ का एक चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, जो भी वो डिज़ाइन का साइज़ आपको बताता है, फॉर एग्जांपल वो बैनर बताता है, कहता है मुझे 15 बाई 3 चाहिए या 15 बाई 16 चाहिए, वो कस्टमर साइज़ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 15 बाई 3। अब जैसे मैंने यहाँ पर 15 बाई 3 लिखा, इस जगह पर ऑटोमेटिकली कस्टमर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं इसको दोबारा लेटर करता हूँ तो ये लेटर में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास आ रहा है पोर्ट्रेट और यहाँ पर आ रहा है लैंडस्केप। अब एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि आपके पास कॉपी जो है ना, जब लिखी जाती है तो वर्टिकल लिखी जाती है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, 90 के एंगल पे करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास ये आपके पास पोर्ट्रेट कहलाता है। जो वर्टिकल आपको नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट है, और मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल होते ही एक काम और होगा, वो काम ये होगा कि आपकी वैल्यू जो है ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर इसको करता हूँ 8.5 और नीचे वाले को करता हूँ 11, वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, साइज़ आपका वही लेटर ही रहेगा, वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से वैल्यू चेंज करके कर लें, ठीक है, या फिर यहाँ पर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्लिक करके कर लें, लेकिन आप जो भी पॉइंट दे रहे हैं वो पॉइंट्स ही वाले हैं ना लेटर साइज़ के, तो वो लेटर साइज है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, रहेगा वो लेटर साइज ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन थी सेट डिफॉल्ट और करंट पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये दो बटन बने हुए हैं, ऊपर वाले बटन जो है ना, ऊपर वाला, इसके तीन रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और तीनों की शेप जो है ना वो सेम है। नीचे वाला जो है ना, इसके तीनों की शेप्स डिफरेंट है। मसला ये, इन दोनों बटनों का नाम सेम है। X3 के अंदर कोरोड्रा 12 पढ़ेंगे उसमें भी नाम यही होगा, 11 पढ़ेंगे उसमें भी नाम यही होगा, X3 से पीछे पीछे और X3 तक इनका नाम सेट डिफॉल्ट और करंट पेज साइज एंड ओरिएंटेशन दोनों का सेम नाम होगा। इस चीज़ ने हमें बहुत अच्छे तक कन्फ्यूज़ रखा। जब X4 आया, X5 आया, X6 आया, उसमें आकर इन दोनों के नाम को उसने चेंज कर दिया। नाम क्या किया, ऊपर वाले का नाम रखा आल पेज। आल पेज का मतलब है जितने भी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी पेज होंगे तमाम की बात की जा रही है, आल पेज से मुराद। और नीचे वाले का नाम रखेगा करंट पेज। ठीक है, इसका मतलब ये जिस पेज पर आप मौजूद है बात सिर्फ आप उसकी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शंस को ऑन किया और यहाँ पर ये प्लस का बटन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एक पेज ऐड हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज आफ्टर किया, तब भी एक पेज ऐड हो गया। यहाँ फिर मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ, मेन्यू है जी लेआउट,
इसके अंदर जाकर इंसर्ट पेज जिसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस दूंगा, कितने नंबर चाहिए। वो कहता जी टोटल जो है आपके पास 3 हैं और तीसरे पर आप बैठे हैं, ठीक है मैं एक और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, अब जितने दूंगा उतने ही पेज यहाँ पर ऐड, टोटल पेज इस वक्त कितने हैं आपके पास, 4 पेज है। अब मैं इसमें से पेज नंबर 4 पर हूँ, फोर्थ पेज पर मौजूद हूँ, मैं इसके साइज़ को चेंज करता हूँ, मैं इसका साइज़ यहाँ पर आकर करता हूँ 15x3। मैंने चेंज किसका किया, 4 का, लेकिन 4 का ही चेंज नहीं हुआ बल्कि इसके अंदर जितने भी इस वक्त पेज हैं तमाम का चेंज हुआ। मुझे तमाम का चेंज नहीं करना। अब देखिए आपकी एक कंपनी है, आपने अपनी एक कंपनी अभी भी नहीं ओपन की, किसी भी चीज़ की कंपनी को, कॉलेज है, जो भी चीज़ है, अब आप उसके ना पब्लिसिटी करना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपको उसके अंदर बैनर चाहिए, बैनर का साइज़ और होगा, ब्रोशर का साइज़ और होगा, बिलबोर्ड का साइज़ और होगा, विजिटिंग कार्ड जो आपके पास मौजूद है उनका साइज़ और होगा, हर चीज़ का साइज़ अलग अलग होगा। अब आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं जी ये तमाम चीज़ें बनाने हैं, मैं कहता हूँ अच्छा जी कंपनी के, आप अपनी कंपनी का, मैं आपकी कंपनी के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा, बजाय इसके कि मैं हर चीज़ के लिए आपकी अलग अलग बनाऊँ, अलग अलग नाम रखूँ, मैं एक ही फ़ाइल के अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें बनानी हैं, जितनी भी आपने मार्केटिंग के लिए जो जो चीज़ें बनानी हैं सारी एक ही फ़ाइल में रखूँगा, उसके अंदर सिर्फ पेज होंगे। और दोबारा कभी आप मेरे पास आते हैं कहते हैं यार मुझे सिर्फ ब्रोशर चाहिए, मैं आपकी फ़ाइल को, मैं कहता अच्छा जी आपने क्या नाम बताया था कंपनी का फ़लाना, उसी नाम से मैंने फ़ाइल सेव की, उसे ओपन करूँगा और नीचे यहाँ पर ये पेज आ रहे हैं पेज 1, 2, 3, 4, 5, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ना आपके पेज का नेम रीनेम में जाकर नाम चेंज कर देता हूँ, न्यूज एड, पहले पेज का नाम क्या कर दिया मैंने, न्यूज एड, ठीक है। अब इसी तरीके से अब अब मुझे पता जी आपने न्यूज़पेपर बनाना था, वो यहाँ पर मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, आपका न्यूज़पेपर मेरे पास मौजूद होगा, आप कहते यार इसमें ये चेंज कर दो या इसको एज इट इज़ इसी का प्रिंट निकाल दो, ठीक है दोनों तरीक़ों में। अब देखिए मेरे लिए सबसे आसान काम क्या है कि मैंने उसको मैनेज बड़े अच्छे तरीके से किया था, मुझे एक फ़ाइल मिल गई, मैंने उसमें जाकर चेंजिंग कर ली, ठीक है बातें सारी समझ में आ रही है ना। अब मसला ये है कि आपने सबका साइज़ एक नहीं रखना, हर एक का साइज़ मुख्तलिफ रखना है। अब न्यूज़पेपर का साइज़ जो है वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर जो बनाना ना वो A4 साइज़ का बनाना, मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो ये वाली जो ऊपर वाली ऑप्शन है ना ऑल पेजेस के, ठीक है इसके बजाय मैं नीचे वाली ऑप्शन को क्लिक करूँगा, जब मैं नीचे वाली को क्लिक करूँगा ऊपर वाली ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब ये करंट पेज, अब मैंने न्यूज़ एड के पेज के साइज़ को A4 कर दिया, अब जाकर पेज 2 का साइज़ देखें, ये वही पहले वाला साइज, बाकी सब का भी। अब इसका साइज़ मैं बिलफर्स यहाँ पर आकर करता हूँ लेटर साइज़, इसका लेटर साइज़ हो गया, ठीक है इसमें आया, इसमें आकर मैंने इसका साइज़ यहाँ पर आकर कर दिया जी लीगल साइज़, और फोर्थ का साइज़ मैंने वही रहने दी, डायरेक्शन वही है, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर इसके साइज़ को मैं यहाँ पर आकर मैं ऐसे भी कर देता हूँ, लैंडस्केप में कर देता हूँ। अब देखिए चारों का साइज़ आपको मुख्तलिफ मिल रहा है, वजह क्या है कि आपकी करंट पेज की ऑप्शन जो है वो ऑन है, करंट पेज की ऑप्शन ऑन है, अगर ये ऑन होगी तो तमाम पेजेस के साइज़ आपको तो सबका एक ही साइज़ होगा, और क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ बनानी हो हर एक में सेम साइज़ रखना फिर तो वही करेंगे, अगर आपको हर एक का डिफरेंट चाहिए तो फिर आप करंट पेज की ऑप्शंस को यूज़ करें। नीचे वाली इसमें जो X3 यूज़ करें तो उसमें छोटा सा रटा है कि नीचे वाली करंट पेज है, ऊपर वाली आपकी आल पेज है, अगर आप X5 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास जैसे पॉइंटर लेकर जाएंगे लिखा होगा ऑल पेज, लिखा होगा करंट पेज, ठीक है क्लियर होगी बात। इसके बाद आया था यूनिट, यूनिट्स पैमाइश का आला, ठीक है ना, तो यहाँ पर पैमाइश आपकी या तो इंचेस में होगी या पिक्सल में होगी या मिलीमीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी, ठीक है ये मुख्तलिफ है। मैं इस कम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक लिस्ट अपीयर हो जाती है, अब इसमें वो सारी चीज़ें दे रहा है। अब पहला सवाल ये है कि एक इंच में कितने फिट होते हैं, फिट फुट 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 कितने फुट होते हैं, उल्टा सवाल, एक बड़ा बारह, बिल्कुल ठीक है ऐसा ही सवाल बिल्कुल उठता, मैं क्लास में हमेशा ये सवाल करता हूँ पहली बात, ठीक रिकॉर्डिंग हो रही है आप किसी भी वक्त क्लास में बैठ के देना, मेरा सवाल ये होता है
एक इंच में कितने फिट होते हैं, जबकि फिट जो है वो आपके इंच जो है वो फिट के अंदर होते हैं। पहले ही बात यह है, ऑर्डर सवाल किया आपने, उसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया। अब यहाँ पर देखें, ये तो पता लग गया, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जी एक फुट में कितने इंच होते हैं, तो नॉर्मली बता दें जी 12, ठीक है। अब एक इंच के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, ट्वेंटी टू आपने कहा, मिलीमीटर जो है 22 होते हैं, मुझे नहीं पता, ये बताएगा मुझे कितने होते हैं। अच्छा पहले तो ये फिट वाला क्लियर करें ना, यहाँ पर आकर मैंने फिट को क्लिक किया, यहाँ पर फिट को क्लिक किया और यहाँ पर एक फिट लिख दिया, सॉरी फिट लिखना है ईयर्स लिखा गया, ये फिट आ गया, मैंने यहाँ पर किया एक फुट बाई एक फुट, ठीक है। अब इंच के ऊपर जब क्लिक करूँगा वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, इंच में चलेगी। अब मैं यहाँ पर आकर 1 इंच करता हूँ, ये इंच लिखा हुआ तो अब आपके पास इंचेस में आ रहे हैं। अब ये एक इंच है, सवाल क्या किया था, मिलीमीटर, आपने कहा 22, ये जी मिलीमीटर्स, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, वो कहता 22 नहीं होते, 25.4 मिलीमीटर हो तो एक इंच काउंट होता, ठीक है। अब वो एक सवाल और है यहाँ पर कि एक इंच के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो मिलकर एक इंच बनता है, तो हाँ सूत कहते हैं, उससे भी छोटा एक सर, ठीक है, तो वही समझ लें वो कितने होंगे, वो कहता है जी यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ना आपके 72 पॉइंट्स होते हैं एक इंच के, एक पर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके उसे सूत वो आधे सूत से भी छोटा है, ठीक है। एनीवे इसके अंदर हाँ नौवा हिस्सा बनता है इसका। अच्छा इसी तरह वो कहता जी यहाँ पर पिक्सल, मैं पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, 300 पिक्सल, अब पिक्सल होते क्या, हमारे पास बेसिकली आपने दो सॉफ्टवेयर्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपने वेक्टर बेस, कोरोड्रा वेक्टर बेस है, दूसरा आपने पढ़ना है पिक्सल बेस, रास्टर बेस हम इसे बोलते हैं। लाइन वर्क से जो काम किया जाता ना पेंसिल वर्क से, ये आपका वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। वेक्टर की शेप नहीं, सर्कल भी एक वेक्टर है, एक रेक्टेंगल भी वेक्टर है, एक लाइन भी वेक्टर है, एक कॉमा लगा है वो भी आपका वेक्टर है, तो ये सारे वेक्टर्स हैं। लेकिन आपका जो पिक्सल होता है ये हमेशा स्केयर फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा, हाँ रेक्टेंगल फॉर्म, कैमरे से ही मोबाइल से पिक्चर लेते हैं ना, और कहा जाता है जी इसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं आ रही, फटी फटी आ रही है, उसको अगर कंप्यूटर में जाके जूम करके देखें तो वो आप पिक्सल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली पिक्सल कितना छोटा होता है आज हमने ये देखना है, ठीक है, 300 होता है एक इंच के अंदर, एक इंच में, ये मेरे पास उंगली का एक बोटा जो ऊपर वाला है इसमें 300 पिक्सल है, नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं लग रहा है, यूं करके देखूंगा नहीं पता लग रहा। मैं आज आपको पिक्सल दिखाता हूँ, पिक्सल देखने का एक छोटा सा कैमरा काम क्या करता है, एज इट इज़ आपको कैप्चर करता है, आपके फेस के ऊपर कहीं पर भी कोई निशान है उसको भी कैप्चर कर लेगा, शो करवा देगा। अभी आपकी जो दाढ़ी है ये आपकी वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स हैं इस वक्त, आपका जो एक बाल है ना ये आपके एक पिक्सल के इक्वल होता है, सीधा इसका कॉर्नर जड़ जहाँ से निकलता है ये एक पिक्सल का। कभी शेव करने ना, आपने देखा होगा यंगस्टर को जब शेव करते हैं, शेव करने के बाद जो उसका नीचे का हिस्सा निकलता है वो कौन से कलर का निकलता है, लाइट ग्रीन कलर्स का होता है, ठीक है। हम वैसे नॉर्मली फेस का कलर क्या बोलते हैं, अमून घरों में जब बोलते हैं किसी को, किसी का फॉर एग्जांपल रिश्ता देखना हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें क्या बोलते हैं, वो जो बंदा था वो काले रंग का था, ठीक है, सफ़ेद कलर का था, ठीक है, वाइट कलर का, ये दो तीन वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। अब ब्लैक और वाइट कलर की जब हम बात करते हैं तो वाइट कलर आपके पेपर का कलर ये वाइट है, मैं यही एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर यही आपके फेस का कलर हो, पाउडर लगा के आ जाए नहीं अच्छा लगे, और अगर इंक लगा लें ब्लैक कलर की तो फिर वो ब्लैक और वाइट आपको फिर भी अच्छे लग रहे थे, कशिश होती है उनके अंदर, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, और ये कलर लगा के नहीं होते, फिर इसका मतलब हमारा कलर ब्लैक और वाइट नहीं। मैं सिंपल से इसमें बताता हूँ, फिर कुछ लोग कहते हैं स्किन कलर है,
स्किन कलर कोई कलर ही नहीं है पहली बात, अगर इस तरफ आए हम कलरों के। अब होता क्या, वैसे भी ये बातें करने का मकसद, इस वक्त रिकॉर्ड भी हो रहा है आपके काम भी आएगा, ये मकसद क्या है कि हम लोग इन चीज़ों को निकाल रहे हैं। मुझे अमूमन नॉर्मल रूटीन में कहा जाता है कि बाल की खाल उतार, मज़ा नहीं आता जब तक बाल की खाल ना उतार, ठीक है ना, जबकि बाल में खाल होती नहीं। अब बात यह है कि हमारा स्किन कलर नहीं होता, अगर स्किन कलर की बात करें ना तो स्किन कलर, एक भैंस का कलर भी तो स्किन कलर है, उसे क्यों नहीं मानते, ऊंट का कलर भी स्किन कलर है वो क्यों नहीं मानते, एक हबशी का कलर स्किन कलर है वो क्यों नहीं मानते, बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली हमारा जो फेस स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें सॉरी कलर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ कलरों को मिला कर बनते हैं, कोई एक कलर नहीं होता हमारे फेस का, मल्टीपल कलर होते हैं। अब उसमें ये होता है कि लाइट कलर होते हैं, कुछ डार्क कलर होते हैं, और बाद उसको तो हमें काला रंग बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कहें तो, उसमें सबसे मेन चीज़ होती है उसकी बनावट बहुत अच्छी होती है, फिर उसके फेस के अंदर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है, कोई निशान नहीं होता, बड़ी जिसे मुलायम हम कहते हैं तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उसी वजह से उस शख्स में अपनी तरफ अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है। तो ये चंद एक चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, तो जब हम इन चीज़ों को देख कर चलते हैं तो हमारा बेसिकली एक कलर नहीं है, ये मुख्तलिफ, बस इतना ज़रूरत है लाइट और डार्क की कम्बिनेशन होती है हमारे फेस के अंदर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पिक्सल बेसिकली आपका एक बाल का जो कॉर्नर सिरा होता है ना, इसके इक्वल होता है आप स्पॉट, ठीक है, एक कलर एक पिक्सल है या एक पिक्सल एक कलर है, इस तरीके से हम लोग इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब पता लग गया होगा कि पिक्सल कितना छोटा कितना बारीक होता है, तो ये हमारे फेस के अंदर ही मौजूद होते हैं, अगर हम गौर करें ये वेन्स होती हैं, वेन के अंदर ये ग्रीन कलर की आपको वेन नज़र आ रही होगी, इस पर गौर करें ये प्योर ग्रीन कलर नहीं है, इसमें भी डिफरेंट कलर चल रहे हैं, और यहाँ पर आँखों के बिल्कुल नीचे हल्के पड़ जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, उसको ज़रा जूम करके गौर करें ना तो वो ब्लैक नहीं होता बल्कि ग्रे की ट्यून चल रही होती है, आस्ते आस्ते वो डार्क की तरफ जाता है। अब किसी भी इस ऐसे बंदे की ले लें जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के आगे स्पेशल बैठा और उसके हल्के पड़ जाए, नींद पूरी ना हो तब भी हल्के बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, उसको भी गौर करें, उसकी पिक्चर लें, उसको जूम करके देखें, आपको ब्लैक नहीं नज़र आएगा, ग्रे ग्रे के अंदर आस्ते आस्ते वो डार्क की तरफ। तो ये बेसिकली होता है, उसके अंदर हर एक पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, मेन चीज़ें हमारे पास यही थी जी, यूनिट्स को हम लोगों ने यहाँ पर देखना था, यूनिट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं, और यूनिट्स का काम इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है नेज ऑफ सेट, कोरर एक्स थ्री यूज़ करें, मैं बार बार दोनों की बात करूँगा क्योंकि इस वक्त मार्केट में ये दोनों पे काम ही है, या एक्स थ्री पे काम होगा या एक्स फाइव में होगा, आपने किस में काम करना है ये तो बात की बात है, ठीक है, बहरहाल मैं इसलिए दोनों के बारे में बात बताता जाऊँगा। एक्स थ्री में इसका नाम होगा नेज ऑफ सेट, नेज बेसिकली आपकी होती हैं ये एरो कीज, कीबोर्ड्स की जो एरोस कीज होती हैं उन्हें लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम ये नेज होती हैं, ठीक है, और ऑफसेट यानी कि बाहर वाला हिस्सा जो आपका यूज़ होगा, ठीक है, और कोरर एक्स फाइव में नेज डिस्टेंस के नाम से होगा, फासला, ठीक है, ठीक है ना, डिस्टेंस मीन्स फासला, नेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये देखें ये मेरे पास कितने इंच पर है, मैं ऐसे करता हूँ 2 इंच, ये डिस्टेंस मैंने दिया 2 इंच, मैंने डिस्टेंस दिया नेज का, ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और अब मैं इसको राइट एरो की को प्रेस करता हूँ, ये 2 इंच के फासले पर जंप कर गया, टॉप पे जंप कर दो 2 इंच के फासले पर, बॉटम पे लगा दो 2 इंच के, ये चारों साइडों पर 2-2 इंच के ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर गया, इतने डिस्टेंस पर मूव किया। मैं अगर यहाँ पर आकर से करता हूँ 0.01, सेलेक्ट किया, मूव हो रहा है बिल्कुल हल्का 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 लाइट लाइट से, ठीक है, अब बात समझ, क्योंकि बाउस का तो ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मिलाना होता, मिल नहीं रहा होता, फिर हम उसमें डिस्टेंस को कम करके उसको इजीली मिलवा, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कर सकते हैं अपने एरो की मदद से, वैसे तो सेलेक्ट किया, ये इस मूव पिक टूल का काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये होगी, दूसरा ये है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट्स की कुछ कॉपियाँ करनी, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो फिल कलर होगा इसके अंदर, ठीक है, ये कलर आ गया, मैं इसको कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के कुछ मेथड होंगे,
पहला मेथड एडिट मेन्यू में जाएंगे, कॉपी की कमांड पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी, वही जो एमएस वर्ड वगैरह में आप यूज़ करते हैं, क्लिक किया कंट्रोल वी कर दिया, उसी के ऊपर सेम उसी के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद प्लस का बटन जो कीबोर्ड्स के ऊपर न्यूमेरिक लॉक का बटन है उसके नीचे प्लस का बटन है, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, उसी के ऊपर कॉपी हो जाएगी। दूसरा तरीका, प्लस का बटन दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद प्लस का बटन क्लिक करेंगे वहीं पर आपकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद तीसरा तरीका इसके अंदर ये होगा कि आप इसको मूव करें, यहाँ से उठाएं, छोड़ना नहीं है, छोड़ने से पहले आपके माउस के ऊपर राइट बटन है साथ में, उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे देखें नीचे आपको एक प्लस का साइन, एरो के बिल्कुल नीचे छोटा सा प्लस का साइन दे रहा है, दोनों को इकट्ठे छोड़ना है। ये देखिएगा मैं यहाँ पर दोनों को इकट्ठे छोड़ता हूँ तो कॉपी हो, जगह भी चेंज होगी और एक कॉपी भी होगी। तीसरा तरीका, यहाँ पर आपके पास आता है डुप्लीकेट डिस्टेंस, जैसे नेच डिस्टेंस था इसी तरीके से डुप्लीकेट डिस्टेंस है कि डुप्लीकेट का फासला आना चाहिए। अभी आपके पास डुप्लीकेट, पेज पे क्लिक करेंगे तो देगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे फिर डिस्टेंस नहीं शो करेगा, फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी शो करवाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम होगी इसमें। मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे दे रहा है एक्स, ये आपके पास हॉरिजेंटल एरिया है ना, ये एक्स कहलाता है, वर्टिकल जो ये आपका वाई कहलाता है। तो इस वक्त ये दोनों क्या हैं, जीरो जीरो, डुप्लीकेट डिस्टेंस 0-0 है, यानी कि डुप्लीकेट आपका इसी के ऊपर होगा, कहीं और नहीं होगा। मैं एडिट मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पर कमांड है डुप्लीकेट के नाम से जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, ठीक है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसने उसी के ऊपर कॉपी कर दी, ठीक। अब मैं चाहता हूँ उसी के ऊपर कॉपी ना हो बल्कि कुछ फासले पर आपकी कॉपी होनी चाहिए, कितने फासले पर, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ जी एक इंच का फासला है, मैं ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर एक इंच ही लेता हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट ज़्यादा थे मैंने एग्जैक्ट ले लिया ताकि मुझे उसमें जो फासला देने के लिए एग्जैक्ट मेरे पास आना चाहिए। मैं यहाँ पर एक्स भी एक करता हूँ, वाई ज़ीरो रखा हुआ है, एक्स एक रखा, जब एक्स वन होगा तो यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा वहाँ से एक इंच राइट पर मूव करेगा, एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पर राइट पे जा रही है, राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाने के लिए आप इसको, ये जब वन दिया ना तो वन कोई साइन ना हो, ठीक है, कोई साइन हो तो प्लस होता है, तो अब मैं माइनस कर दूंगा, माइनस किया तो जहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया कंट्रोल डी करूँगा वो लेफ्ट पे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास वाई होगी, वाई एक्सिस इस तरीके से चल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर आपने बनानी है तीन अदर असाइनमेंट, ठीक है, ताकि आपकी ये डुप्लीकेट का जो है ना पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाए। अब इसमें कैसे बनाएंगे, मैं पहले असाइनमेंट्स को यहाँ पर कॉल करवा लेता हूँ, लेक्चर वन है जी, इसके अंदर सबसे पहले ये वाली असाइनमेंट्स है, अभी अंदर वाले ये बॉक्स वगैरह नहीं बनाने हमने, ये जो बॉक्सेस दे रहा है ये नहीं बनाने, अभी सिर्फ ये बाहर वाला एरिया मुझे बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ज़रा साइड पे करता हूँ, ये आ गया, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, वन इंच का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ वन बाई वन का, इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, अच्छा मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ के लिए, अब मैं कहता हूँ ये एक इंच यहाँ पर आए, एक एक इंच के फासले पर आपका ऑब्जेक्ट जाना शुरू हो जाए सिर्फ राइट साइड पे, बाहर क्लिक किया इसको प्लस करूँगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आकर सेलेक्ट किया कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, ये आपका इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर जाना चाहिए राइट पर ना जाए, तो अब क्या करूँगा, ऊपर वाले को ज़ीरो कर दूंगा कि ये मूव ना करे और नीचे वाले को वन कर दूंगा, वैल्यू प्लस में होगी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे जाना चाहिए, ठीक है, वाई को ज़ीरो करूंगा ताकि वाई मूव ना करे और एक्स को माइनस वन करूँगा ताकि ये यहाँ से आगे की तरफ चला जाए, ठीक है। अब चाहूँगा यहाँ से ये नीचे आ जाए, अब x क्या होगी,
0 और y क्या होगी माइनस वन. इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल डी के. अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना. अब इसमें दोनों एक्सेस यूज होंगी, एक एक्स भी होगी दूसरी वाई भी होगी. अब मैंने यहां से अब जाना किधर है, एक टॉप पे जाएगा दूसरा राइट पे जाएगा. इसका मतलब है दोनों एक्सेस क्या होंगी मेरे पास, नहीं वन बाई वन होंगी, प्लस में होंगी दोनों, दोनों प्लस होंगी ना, राइट ही जाएगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी किया, ये देखें ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ आ गए. अब इसको मैंने ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, टॉप पे जाएगा और लेफ्ट पे आकर राइट पे नहीं जाएगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स को माइनस करना होगा. ठीक है, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल डी किया, ये नहीं ये ऑब्जेक्ट्स इधर आ गए. अब नीचे आए और लेफ्ट पे जाए फिर क्या होगा, दोनों वैल्यू आपकी माइनस होंगी, लेफ्ट पे भी है और बॉटम पे भी है. इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल डी किया, ठीक. इसके बाद ये मैं चाहता हूँ नीचे भी आए और राइट भी जाए. अब इसमें क्या होगा, एक प्लस होगा एक्स प्लस और वाई माइनस, कंट्रोल डी किया. अब इसमें एक एक को सिलेक्ट करके अलग अलग आप यहाँ पर इस तरीके से कलर कर सकते हैं. ठीक है जी, बाकी पोर्शंस पे जो जो कलर करना चाहते हैं आपकी मर्जी. ठीक, क्लियर होगी मैम. इसके बाद इसी के अंदर रहेंगे, डुप्लीकेट ही बढ़े हैं, डुप्लीकेट के अंदर अगली असाइनमेंट्स हमारे पास आ जाती है. मैं इसमें से एक असाइनमेंट्स है जी मेरे पास यहाँ पर, ये है, मैं इस असाइनमेंट्स को यहाँ पर बनाऊँगा. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रॉसिंग बनी हुई है, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. ये बनाया यहाँ पर रख लिया इसे. अब करना क्या है, ये ऊपर भी जाए, ठीक है, और राइट भी जाए, दोनों को मैं यहाँ पर प्लस प्लस कर देता हूँ. अब करता हूँ कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी. अब मैं यहीं से इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, तो अब क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे. पहले दोनों प्लस थे तो ऊपर और राइट जा रहा था, अब दोनों माइनस हो जाएंगे, बॉटम पे और लेफ्ट पे आएगा. अब एक राइट पर है और दूसरा बॉटम पे है, तो अब इसमें क्या होगा, जो राइट पर है वो प्लस होगा, ठीक है, एक्स प्लस हो जाएगा और वाई माइनस हो जाएगा. अब इसे यहाँ से, अब दूसरा एक टॉप पे जाएगा दूसरा लेफ्ट पे जाएगा, टॉप पे प्लस होगा लेफ्ट पे आपका माइनस होगा. ठीक है, अब इन सबको सेलेक्ट करके कलर वगैरह कर सकते हैं. इसको ये मैंने कलर किया, लेकिन इसको साइज छोटा करते हुए ना साथ ही राइट क्लिक करूँगा, कॉपी साथ में, छोटा भी होगा और कॉपी भी हो जाएगी, और कलर उसको अलग से कर दें. ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट्स बन गया. बाकी इनको सेलेक्ट करके सबको इनको एक कलर यहाँ पर दे दें, इसको सेलेक्ट करके एक कलर आपको यहाँ पर दे दें इसको, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके एक कलर यहाँ पर दे दें इसको, और इसको सेलेक्ट करने के बाद एक कलर आप यहाँ सेम बन गया ना. अब इसके बाद एक और चीज़ आपके पास आती है, वो है आपके पास ये वाली एक असाइनमेंट. टॉपिक वाइज मैं आपको साथ के साथ असाइनमेंट्स भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, काम करने में प्रॉब्लम ना हो घर जाके. अब यहाँ पर देखें ये फासला आपके पास आ रहा है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स का छोटा सा डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करके देखिए ये डिस्टेंस हल्का सा माइनस सा नज़र आ रहा है. मैं चाहता हूँ मेरे इस ऑब्जेक्ट्स में भी नज़र आए. ये देखिए आधा ऊपर है और आधा नीचे है और बीच में कुछ गैप है. ये ऑब्जेक्ट्स है 1 इंच का, मैं इसको यहाँ पर डिस्टेंस में जाकर ना मैं इसको कहता हूँ 1.1 कर देता हूँ, एक्स 1/1, यानी कि जहाँ पर मौजूद है उससे थोड़ा सा ये विड्थ आ जाएगी इसमें 1/1 में. और साथ में यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 0.5, वाई 0.5 कर देता हूँ. वाई यानी कि आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा, ऐसे होगा. ठीक है, सिलेक्ट किया कंट्रोल डी किया, ये ले एक दफ़ा फिर किया. ठीक है, अब आगे से ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, आगे से ये बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए. तो स्ट्रेट आने के लिए मैं ऐसे क्या करूँगा, वाई को
ज़ीरो कर दूंगा, एक्स को एज इट इज चलने दूंगा क्योंकि आगे गैप सेम इसी तरीके से। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया। अब इसके बाद थर्ड टाइम ये होगा कि ये आधा नीचे होगा और आधा ऊपर होगा। फिर क्या होगा, आपके पास एक्स आपके पास वही चलेगा, ठीक है, वाई माइनस 0.5 क्योंकि वो नीचे आ रहा है, वाई नीचे आ रहा है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, ये लें। अब इसी को सिलेक्ट कर लें और ये आपके पास मुख्तलिफ कोई चार पांच ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चारों पांचों को यहाँ पर आकर ना ये कंट्रोल जी शॉर्टकट की है, ग्रुप की कमांड है, ग्रुप पे इस पर क्लिक कर दें प्रॉपर्टीज़ में या अरेंज में जाकर यहाँ पर आप इसे ग्रुप कर दें, ये अब एक बन जाएगा। अब इसी की कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए ना बेशक राइट साइड पर लेकर साइज़ वगैरह किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा अगर कंट्रोल का बटन होल्ड रखा होगा, साथ ही राइट क्लिक कर दें और इसे छोड़ दें, बाद में कंट्रोल छोड़ दें, ये देखें सेम आपको इसके साथ का साइज़, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये नीचे वाला पॉइंट्स आ जाता है, ये एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इसमें से ऑब्जेक्ट लेता हूँ, वो ग्रुप हो जाएंगे ना, फिर किसी एक को सिलेक्ट करूँगा तो सारा सिलेक्ट हो जाएंगे ना, जैसे लकड़ियों को उठाने के लिए इकट्ठा करके बंडल बनाया जाता है, ये समझ लें एक बंडल बन गया और जब चाहे उसे खोल के दो अलग अलग कर लिए, ठीक है ना, उठाने में आसानी रहती है। ग्रुप से अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, कंट्रोल यू उसकी शॉर्टकट की होगी और वहीं पर आपको ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं नीचे आना चाहता हूँ, ठीक है, वाई और एक्स दोनों हैं इसमें, ठीक है, वही वाला काम जो मैंने आपकी सेकंड असाइनमेंट्स में किया था वही काम यहाँ पर करेंगे कि इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, पहले तो इसको करेंगे जी सात में मिल रहा है, वन करूँगा और इसको करूँगा माइनस वन करूँगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है, कंट्रोल डी किया, ठीक है। अब मैंने इसको इस साइड पे लेकर आना है इसके इस कॉर्नर के साथ, ठीक है, इस कॉर्नर माइनस वन एक्स और माइनस वन वाई, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, ये देख, ये अब यहाँ से मैं इसे ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो वाई क्या होगा, प्लस और एक्स माइनस ही चलेगा, ठीक है। अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाना है, अब क्या होगा, एक्स प्लस हो जाएगा, ये बन, ठीक है, बात समझ में आएगी। यहाँ पर ये तीन असाइनमेंट्स हैं, तीनों की तीनों आपकी एज इट इज बन जाएगी। पहले सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए यहाँ पर ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट कर लिया, सारा सिलेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर ग्रुप की कमांड पे क्लिक करेंगे, अब जब उठाएंगे सारा इकट्ठा उठेगा, जैसे ये सारा इकट्ठा उठ रहा है ऐसे ये सारा इकट्ठा उठ, ठीक है, क्लियर होगी जी बात, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो मुझसे अभी पूछ लें ताकि फिर मैं आपको इसमें करूँ।